तो इस मेमोरी टेक्निक को और इसके साथ साथ 1/4 रूल को हमेशा अप्लाई करना लाइफ में, कभी भी जब भी आपको कोई भी चीज़ लर्न करने का मन हो और वो चीज़ लर्न नहीं हो रही हो, बहुत ईजिली लर्न हो जाएगी। प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना, सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वही चीज़ करेंगे जो कि हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले करते हैं, यानी कि मैं आपको पहले ये नहीं बताऊंगा इनकम टैक्स 1961 आपको ये प्रोविजंस बताता है विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ वैसे करनी है। उसको करने से पहले ये समझते हैं कि वो करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यानी कि कैसे टाइप की टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन लोग करते थे जिसको खत्म करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लाने पड़े। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा ताकि हो क्या, आपका इंटरेस्ट जागे इस चैप्टर के अंदर, यानी कि आप चैप्टर सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि एग्जाम्स क्लियर करने, आप इसलिए भी पढ़ें क्योंकि आप जानना चाहते हैं वो टैक्स प्लानिंग आज के टाइम पे हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, किस तरीके से लोग टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करेंगे, सरकार रोकने की कैसे कोशिश करेगी, इन लोग बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है, आउटकम क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। दी ओनली मोटिव बिहाइंड टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ अ टैक्स प्लानिंग इज टू मेक यू एक्साइटेड अबाउट द चैप्टर। वही चीज़ करेंगे, उसके बाद प्रोविजन पढ़ने शुरू करेंगे। तो आते हैं टैक्स प्लानिंग पे, किसकी टैक्स प्लानिंग में आपको बता रहा हूँ, अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। काफ़ी सारी फिगर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल होंगी, इमेजिनरी होंगी, कुछ चीज़ें रियल भी होने वाली। कौन सी चीज़ इमेजिनरी है, कौन सी रियल है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इस चीज़ पे फोकस करना कि क्या टैक्स प्लानिंग करी जा रही है, किस तरीके से करी जा रही है, और उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए, अपने दो मोड्स बताए थिंकिंग की। सबसे पहला मोड क्या है, शराफत वाला मोड, जहाँ पे मेरी जितनी इनकम होती है उतनी डिस्क्लोज करता हूँ, उस पर प्रॉपरली टैक्स देता हूँ और सारा का सारा साल मेरा खत्म हो जाता है। दूसरा मेरा मोड क्या है, घपलेबाजी वाला मोड, और वो घपलेबाजी वाले मोड में क्या करता हूँ, मैं टैक्स जितना बनना चाहिए नॉर्मली उतना टैक्स नहीं देता, बहुत कम टैक्स देता हूँ, किस तरीके से देता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो दोनों ही मोड्स देखिए, दोनों मोड्स में कैसे ऑपरेट मैं कर सकता हूँ। शराफत वाला मोड, इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है सेल ऑफ एलॉयज, यानी कि मैं एक ट्रेडर हूँ जो कि करता क्या है, एलॉयज खरीदता है, एलॉयज बेचता है, ट्रेडिंग का काम करता हूँ। एलॉयज क्या होते हैं, गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा व्हील के अंदर फिटिंग होती है एलॉयज की, जो कि व्हील्स के अंदर लगते हैं, तो मल्टीपल मोटर व्हीकल्स के अंदर लगते हैं एलॉयज, वही एलॉयज जो मोटर व्हीकल्स के अंदर लगते हैं, मेरा बिजनेस क्या है, उनको खरीदना, उनको बेचना। मैंने आपको प्रीवियस 1920 के लिए कुछ स्टैट्स बताए अपने बिजनेस की। तो देखिए, मैंने आपको बताया ये जो एलॉयज मैं खरीद के बेचता हूँ, खरीदने का प्राइस मेरे लिए क्या है, कॉस्ट पर एलॉय 20,000 रुपीज़ पर एलॉय, यानी कि खरीदने के लिए मुझे हर एलॉय के लिए 20,000 रुपये देने पड़ते हैं अपने वेंडर को। और बेचने के टाइम पे मैं कितना पैसा फेच कर सकता हूँ हर एलॉय के लिए, मान लेते हैं एक ही टाइप का एलॉय खरीदता हूँ, एक ही टाइप का एलॉय बेचता हूँ, तो सिंगल प्राइस है 30,000 रुपीज़ पर एलॉय। तो अगर आप वैसे बात करें पर एलॉय बेसिस पे, मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ पर एलॉय बेसिस पे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी होती हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेंगी, मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, प्राइस पर एलॉय है 30,000 रुपीज़, कॉस्ट पर एलॉय है 20,000 रुपीज़, कितने एलॉयज बेचे मैंने प्रीवियस ईयर 2019 में एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, मैंने बेचे 2,000 एलॉयज। आगे देखिए, टोटल रेवेन्यू कितना निकल के आ गया ये 2,000 एलॉयज बेच के, जाहिर सी बात है 2,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर एलॉय, मेरे पास क्या आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, विच इज 6 करोड़ रुपीज़, यानी कि 6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू निकल के आ गया इन एलॉयज को बेच के इन द प्रीवियस ईयर 1920। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, यानी कि यही 2,000 एलॉयज बेचने के लिए मुझे खरीदने में कितने पैसे इनकर करने पड़े होंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, क्या फिगर निकल के आती है, 4 करोड़ रुपीज़। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 2,000 एलॉयज बेच के मुझे रेवेन्यू कितना मिला था, 6 करोड़ का, वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आ गई थी इन्हीं एलॉयज को खरीदने में, इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई थी 4 करोड़ रुपये। तो मोटे मोटे तौर पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, अभी तक 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन क्या 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने किसी प्रीमाइस पे जहां से बेचा है इस चीज़ को, हो सकता है रेंटेड प्रीमाइस हो, फिक्स कॉस्ट आएगी, वहां पे एम्प्लॉयज होंगे, उनकी सैलरी फिक्स कॉस्ट है, तो मल्टीपल चीज़ें फिक्स कॉस्ट हैं। मैंने आपको फिक्स कॉस्ट बताई कितनी थी मेरे बिजनेस की, 1 करोड़ रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट 4 करोड़, फिक्स्ड कॉस्ट 1 करोड़, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5 करोड़। कैसे, ये 2 करोड़ प्लस 3 करोड़ गलत दिखा है, 4 करोड़ प्लस 1 करोड़, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। पहले मैंने कुछ और एग्जांपल ड्राफ्ट करा था, फिर उसको थोड़ा ट्वीक करा था और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कोई नहीं, इसको लिख देते हैं 4CR + 1CR। तो देखिए, 4 + 1 = 5 करोड़ की कॉस्ट, 6 करोड़ का रेवेन्यू, बताइए मेरी इनकम कितनी होगी इस पर्टिकुलर बिजनेस से इन द प्रीवियस ईयर 1920। जाहिर सी बात है 5 करोड़ कॉस्ट, उसको माइनस कर दीजिए रेवेन्यू से, आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम विच इज़ 1 करोड़। कैसे, 6 करोड़ - 5 करोड़, और यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है पूरी की पूरी जो कॉस्ट थी 5 करोड़ रुपीज़, वो आपकी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिडक्टेबल एक्सपेंस की तरह क्वालिफाई कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली ज़रूरी नहीं है आपने जितनी भी कॉस्ट इनकर करी हो सारी की सारी आप माइनस कर पाए। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या ले ली है, टोटल कॉस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस थी, टोटल कॉस्ट डिडक्टेबल थी, इसलिए हमने पूरा का पूरा अमाउंट माइनस कर दिया रेवेन्यू से, जितना 1 करोड़ बचा वो हमारा क्या है, टैक्सेबल इनकम है।
अब इस पे हमें क्या करना होगा, इस पे टैक्स रेट मल्टीप्लाई करना होगा जो भी इंडिया में मुझ पे एस एन एस एस ई लगता है, क्या निकल के आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा, और टैक्स देने के बाद जितनी भी इनकम बच जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। तो उसके बारे में भी मैंने आपको चीज़ें बताई। टैक्स रेट इंडिया में मुझ पे एज एन एस एस सी इफेक्टिवली कितना लग रहा था, इफेक्टिवली 40% का लग रहा था, यानी कि नॉर्मल टैक्स रेट प्लस सेस प्लस सरचार्ज सब कुछ ऐडअप करके 40% का रेट मुझ पे लग रहा था इफेक्टिवली। तो 40% का रेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ की, इस पे अगर मल्टीप्लाई करा जाएगा कितना टैक्स निकल के आ जाएगा जो कि मेरी तरफ से ड्यू हो जाएगा सरकार को, मुझे 40 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे एज माई इनकम टैक्स ड्यू। तो इनकम टैक्स ड्यूज ऑफ 40 लाख रुपीज़ ये अगर मैं पे कर देता हूँ 1 करोड़ की टैक्सेबल इनकम से, मेरे पास कितनी डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी, इवेंचुअली मेरे पास बच जाएगी 60 लाख रुपीज़ की डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि ये सारी चीज़ें करके 6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट करके, उसमें से कॉस्ट इनकर करके कुछ ना कुछ वो माइनस करके, टैक्स माइनस करके, मेरे पास इन हैंड कितना बच जाता है साल खत्म होने के बाद, 60 लाख रुपये बच जाते हैं। इतना सारा बिजनेस करके क्या मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 करोड़ की इनकम में से 40% तो सरकार लेगी। मैं कोशिश क्या करूँगा, 40% से कुछ ना कुछ रेट कम निकल के आए, लेकिन इससे नीचे मैं कर नहीं पा रहा। जितनी एग्जेम्पशंस हो सकती थी, जितनी डिडक्शंस हो सकती थी, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स क्लेम करना, उसके साथ साथ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करना डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। वैसे 45% 50% का रेट आ रहा था, नीचे ला ला के मैंने 40% तक का रेट अचीव कर लिया है, लेकिन इससे नीचे नहीं पहुँच पा रहा। अब मेरे दिमाग में क्या आएगी, घपलेबाजी आएगी, रेट तो नीचे करना ही है किसी भी तरीके से, 40% से नीचे नॉर्मल शराफत वाले तरीके से जा नहीं रहा, घपलेबाजी वाले तरीके पे जाते हैं। अब ये घपलेबाजी वाला तरीका क्या है, क्या मैं ऐसा करूँगा कि रेवेन्यू दिखाऊंगा ही नहीं सरकार को, ब्लैक मनी की तरह रिसीव करने लग जाऊंगा, या फिर एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करने लग जाऊंगा। इनडायरेक्टली कोशिश क्या करूंगा, टैक्सेबल इनकम सरकार को कम दिखाओ 1 करोड़ से कम, और जब 1 करोड़ से कम 40% के रेट पर टैक्स होगा, मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, इस घपलेबाजी की बात नहीं हो रही, उस घपलेबाजी को क्या बोला जाता है, टैक्स इवेजन। मुझे टैक्स इवेजन नहीं करनी, क्योंकि उसमें हमेशा यही डर बना रहता है कि सरकार को अगर पता चल गया कि 6 करोड़ मेरा एक्चुअल रेवेन्यू था, मैंने सिर्फ 2 करोड़ दिखाया है, सरकार मुझे पकड़ लेगी, पीनलाइज भी करेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, टैक्स भी सारा का सारा निकाल लेगी जिस डे पे पकड़ा गया। ऐसे ही एक्सपेंसेस में ओवरस्टेट करने की कोशिश करूंगा, अगेन पकड़े जाने का डर होता है। टैक्स इवेजन में करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे सुकून की नींद भी चाहिए और मुझे टैक्स भी कम पे करना है, 40 लाख जितना टैक्स नहीं पे करना। अब ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, एक केस में पॉसिबल हो पाएंगी, इस वाले केस में। यानी कि कौन सा केस, कोई ऐसा केस जिसमें मैं रेवेन्यू अंडरस्टेट नहीं करूंगा, सरकार को बताऊंगा मैंने 6 करोड़ की इस साल में सेल्स करी है, सरकार को ये भी बताऊंगा कि मेरे जेन्युइन खर्चे 5 करोड़ के थे, इसको ओवरस्टेट भी नहीं करने वाला, लेकिन स्टिल 1 करोड़ की इनकम पे मैं कितना टैक्स देने वाला हूँ, सिर्फ 4 लाख रुपए का एंड नॉट 40 लाख रुपीज़। यानी कि 40% के इफेक्टिव रेट को गिरा के मैं कहाँ तक पहुँचा दूंगा, 4% के रेट तक पहुँचा दूंगा, यानी कि 36 लाख रुपीज़ सेव करवा सकता हूँ मैं टैक्स में। किसके सेव करवा सकता हूँ, अपने ही सेव करवा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ही केस है। 1 करोड़ की इनकम पे मुझे 40% के रेट पे टैक्स नहीं देना, 4% के रेट पे देने को तैयार हूँ, उसमें मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये कैसे करा जाएगा, घपलेबाजी वाली स्कीम है क्या, वो स्कीम समझने की कोशिश करिए। पहले मैंने आपको बताया स्टेप्स करे क्या जाएंगे इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बाद मैंने आपको एनालिसिस करवाया कि ये स्कीम एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटस क्या निकल के आएगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, और मैंने आपको दिखाया कैसे 4% का इनकम टैक्स रेट अचीव करा जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इवेंचुअली हो क्या जाएगा, आपकी 1 करोड़ की इनकम पे आप सिर्फ 4 लाख रुपये का टैक्स देंगे, एंड डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में कितनी रह जाएगी, 96 लाख रुपीज़ की। कैसे करेंगे सब कुछ देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आफ्टर विच हम क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, किस चीज़ को, 4% के इफेक्टिव टैक्स रेट को। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं बोलूँगा अपने आप को ही फाइंड अ टैक्स हेवन। टैक्स हेवन होता है, टैक्स हेवन नहीं होता, HEAVEN जो कि हेवन होता है वो स्पेलिंग नहीं होती, इट इज़ टैक्स हेवन ओनली। ये मत सोचना स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, इट इज़ कॉल्ड अ टैक्स हेवन ओनली। नाउ व्हाट इज़ अ टैक्स हेवन, टैक्स हेवन कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि अगर आप मोटे मोटे तौर पर बात करें वो इनकम टैक्स लेती ही नहीं, या तो उनका इनकम टैक्स का रेट ही नील है, कोई भी इनकम टैक्स उन कंट्रीज में नहीं लगता। यानी कि उन कंट्रीज में कोई भी कुछ भी इनकम कमाता है उस इनकम पे वो कंट्रीज कुछ भी टैक्स नहीं चार्ज करती। इंडिया कितना चार्ज करती है, 30% 40% 50% डिपेंडिंग ऑन दी असेसी, डिपेंडिंग ऑन दी इनकम, अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन मिनिमम आप कह सकते हैं 25% 20% के आसपास तो चार्ज करती ही है अगर कोई भी इंसान डिसेंट इनकम कमा रहा है 10-20 लाख रुपए की पर एनम बेसिस पे, तो इतना तो चार्ज करा ही जाता है। इंडिया भी करती है, US, सिंगापुर, मल्टीपल बड़ी बड़ी कंट्रीज, सब डेवलप्ड कंट्रीज चार्ज करती है, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो कि करती क्या है, अपनी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए लोगों के बोलती है, भाई साहब आप हमारी कंट्री में जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं उस पर हम कोई भी टैक्स नहीं लेने वाले, और अगर लेने भी वाले हैं तो 1%, 2%, 5% इतने कम रेट पे लेंगे कि आपके लिए इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल टू डिक्लेयर योर इनकम इन आर कंट्री एज अपोज टू एनी अदर कंट्री लाइक इंडिया, US वगैरह वगैरह। तो जितनी इनकम हमारी कंट्री में डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे कर लीजिए, उन कंट्रीज में डिक्लेयर करोगे 30%, 40%, 50% के रेट पे आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी। तो मैं करने के वाला हूँ एक टाइप की टैक्स प्लानिंग करूँगा जिसको मैं घपलेबाजी का नाम दे रहा हूँ, और घपलेबाजी का नाम क्यों दे रहा हूँ थोड़े ही मोमेंट्स में आप समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए की ही रहेगी, इसको मैं कम नहीं करने वाला। ऑफकोर्स इनकम कोई भी इंसान नहीं गिराना चाहेगा अपना टैक्स बचाने के लिए, 40% बचाने के लिए मैं 60% थोड़ी गवाऊंगा इस 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ रुपए की इनकम नहीं गिरानी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस नॉर्मल शराफत वाली स्कीम में इंडिया की ही इनकम, जो मैं इंडिया से ही कमा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की इनकम, पूरी इनकम मैं कौन सी कंट्री में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंडिया में डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश क्या करूँगा, 1 करोड़ में से मेजर इनकम कौन सी कंट्री में डिक्लेयर कर दूँ, जो कंट्री इनकम टैक्स रेट के नाम पर कुछ भी नहीं चार्ज करती, या तो 0% चार्ज करती है, या फिर 2%, 5% ऐसा रेट चार्ज करती है, इतना ज़्यादा रेट चार्ज नहीं करती। सो आई वुड ट्राई टू डाइवर्ट दिस पर्टिकुलर इनकम, द मेजर पोर्शन ऑफ इट, टूवर्ड्स अ कंट्री जो कंट्री इनकम टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं चार्ज करती। तो उससे होगा क्या, इनकम तो मेरी 1 करोड़ की ही निकल के आएगी टोटली, हो सकता है 10 लाख इंडिया में आ रही है, 90 लाख उस कंट्री में आ रही है, जिसकी वजह से होगा क्या, 90 लाख जब उस कंट्री के अंदर आ जाएगी निकल के, उस कंट्री में मुझे इनकम टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और इंडिया में जो 10 लाख की इनकम निकल के आ रही है उस पर 40% के रेट पर टैक्स दे भी दूंगा तो कितना निकल के आएगा, नॉट 40 लाख्स, ओनली 4 लाख रुपीज़। तो ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं। कैसे करते हैं, इन तरीकों से। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, टैक्स हेवन ढूंढो, यानी कि ऐसी कंट्री ढूंढो जहाँ पे या तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं, और अगर लगता है तो बहुत कम रेट पे लगता है, जिसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरिशस वगैरह वगैरह। तो मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे कंट्री लेटर से केमैन आइलैंड्स। इस कंट्री को मैंने चूज़ करा किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये टैक्स हेवन है, स्टेप वन में यही करना था। स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू इज ओपन अ शेल कंपनी इन द टैक्स हेवन बाय इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज़ इन इट्स शेयर कैपिटल। यानी कि इसी कंट्री के अंदर मुझे बोला जा रहा है कि भाई साहब आप क्या करना, एक शेल कंपनी खोल लेना। नॉर्मली क्यों नहीं बोला कंपनी खोल लेना, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंपनी आप खोलते हैं, क्या वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड सप्लाई करती है, बिल्कुल करती है, दोनों में से कुछ तो कर रही होगी तभी आपने कंपनी खोली है। लेकिन ये जो कंपनी इस कंट्री में खोली जा रही है, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, ना तो कोई गुड सप्लाई करती है, ना ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका कुछ और ही पर्पस है। जो पर्पस हमें पता है, इसका पर्पस क्या है, इंडिया से प्रॉफिट्स दूसरी कंट्री में डाइवर्ट करे जा सकें, ताकि वो इंडिया के रेट पर ना टैक्स होके इस कंट्री के रेट पर टैक्स हों। और मैंने ये जो कंट्री ढूंढी है, की बात, ये ऐसी कंट्री है जो कि इनकम टैक्स लगाती ही नहीं, 0% पे आपकी इनकम टैक्स होती है। तो अगर मैं प्रॉफिट्स को इंडिया से यहां पे डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल रहा, तो जितने भी प्रॉफिट्स यहां पे डाइवर्ट कर दूंगा उन पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, पूरा पूरा 40% अमाउंट जो इंडिया में देना पड़ता वो सारा का सारा मैं बचा जाऊंगा। कोशिश ऐसी है सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे डाइवर्ट करने हैं। कैसे करूँगा, देखिए, सबसे पहले ओपन अ शेल कंपनी। शेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि काम कुछ नहीं करती, बस पेपर्स पे एग्जिस्ट करती है। टैक्स हेवन में, यानी कि इस कंट्री में जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट करी थी, वहाँ पे शेल कंपनी खोलो। कैसे, 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करके इन इट्स शेयर कैपिटल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साहिल, साहिल की इंडिया में एक एंटरप्राइज थी जिसका नाम लेटेस्ट से हमने रख दिया एलॉय वाला प्राइवेट लिमिटेड। क्यों, बिजनेस क्या था, एलॉयज बेचने का। तो एलॉयज बेचने का जो बिजनेस मेरा इंडिया में था लेटेस्ट से, उस प्रमाइसिस का नाम क्या था, प्रमाइसिस बोल रहा हूँ, उस बिजनेस का नाम क्या था, एलॉय वाला प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि प्राइवेट कंपनी इंडिया में मैंने बना रखी थी और यही बिजनेस जनरेट करी थी, कितने का, 1 करोड़ रुपये की टोटल इनकम जनरेट करने में इसी बिजनेस का हाथ था। मैंने क्या बोला, इसी बिजनेस के पास सालाना बेसिस पे आप 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेल्थ भी होगी आपके पास। मैंने कहा बिल्कुल है मेरे पास वेल्थ। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो वेल्थ इस बिजनेस के पास है, इस वेल्थ को यूटिलाइज करिए और केमैन आइलैंड्स के अंदर, यानी कि वो टैक्स हेवन जो आपने सोची थी, उस कंट्री के अंदर एक और कंपनी फ्लोट करिए, जिस कंपनी के अंदर आप शेयर कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, 50 लाख रुपए। तो बेसिकली आप करेंगे क्या, इस कंट्री के अंदर एक कंपनी फ्लोट करेंगे लेटेस्ट से, किस नाम से, मस्त मौला प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसको कुछ काम नहीं करना, मस्त मौला कंपनी है, इसको बैठे बैठे प्रॉफिट्स मिलेंगे, जो कि प्रॉफिट्स इसको मेहनत से नहीं कमाने पड़ रहे, इसको सीधा यहाँ पे जो टैक्स प्लानिंग हो रही है वहाँ से यहाँ के एक्चुअल प्रॉफिट्स यहाँ पे बस शिफ्ट करे जाएंगे। किस चीज़ के लिए, ताकि वो इंडिया में टैक्स ना हो, इस कंट्री में टैक्स हो। तो इसका नाम रखा गया मस्त मौला प्राइवेट लिमिटेड। बैठे बैठे प्रॉफिट्स आते हैं, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, रियलिटी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेपर्स पे तो हम दिखाएंगे बहुत काम कर रही है, मेहनत से प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन इन रियलिटी कोई भी काम नहीं कर रही होगी। तो ये कंपनी फ्लोट करी गई मस्त मौला प्राइवेट लिमिटेड। कभी भी आप कोई कंपनी फ्लोट करते हैं, क्या आपको शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास कैपिटल शेयर होल्डर से ही आती है। तो साहिल ने क्या करा, या तो पर्सनली इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल में 50 लाख रुपए यहाँ पे, या फिर इस बिजनेस के जो भी फंड्स थे उनमें से 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ओनर क्या होगा, यही इंसान कॉमन ओनर बन जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अभी दो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक जो एक्चुअली काम करके इनकम कमाने वाली है, एक जो काम कुछ नहीं करने वाली, इसके पास इनकम डाइवर्ट होकर आने वाली है, और दोनों का ही ओनर कौन है, ये इंसान। स्टेप नंबर 3 देखिए, मस्त मौला विल रिसीव अ कोटेशन ऑफ 10,000 रुपीज़ पर एलॉय फ्रॉम एलॉय वाला। यानी कि ये जो कि क्या करती थी, एलॉयज नॉर्मली लोगों को बेचती थी, ये इस कंपनी को एक कोटेशन देगी कि भाई साहब हमारे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि आपको एलॉयज की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आया, हम तो एक ट्रेडर हैं, हम एलॉयज खरीदते ही हैं, आपको हम सप्लाई कर देते हैं अगर आपको एलॉयज चाहिए, और जितने भी एलॉयज हम आपको सप्लाई करेंगे, किस प्राइस पर सप्लाई करने को तैयार हैं, 10,000 रुपीज़ पर एलॉय के बेसिस। अब सोच के देखिए, ये दोनों ही एंटरप्राइजेस किसकी हैं, एक ही इंसान की है,
ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक इंसान की दो एंटरप्राइजेस के बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन नहीं हो सकता, कोई भी कंसिडरेशन का लेन देन नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंटली ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इस केस में अगर ये दोनों अपने आपस में कोई भी एलॉय की डील स्ट्राइक कर लेते हैं तो वो बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती है, उसमें कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली। अब यहाँ पे सोच के देखिए, इसने जो प्राइस कोट करा है इस प्राइस में दिक्कत क्या है? इसने क्या बोला है? मस्त मौला, तुम्हें कोई भी एलॉयज खरीदने हैं, कितने भी एलॉयज खरीदने हैं हमसे खरीद लो, 10,000 रुपये पर एलॉय के बेसिस पर हम तुम्हें बेचने को तैयार है। इसकी कॉस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको ऊपर एनालाइज करवाई थी। देखिए कॉस्टिंग कितनी थी पर एलॉय की, ये इंसान ट्रेडर है, कौन सा एलॉय वाला, तो एलॉय वाला जो ट्रेडर है इसकी कॉस्टिंग क्या थी हर एलॉय की जिस प्राइस पे खरीद रहा था मार्केट से इन्हीं एलॉयज़ को? 20,000 रुपये पर एलॉय पे खरीद रहा था ये इंसान। जो चीज़ 20,000 पे खरीद रहा था क्या कभी भी 10,000 पे सप्लाई करेगा? कोई भी रैशनल बिजनेसमैन कभी नहीं करेगा, लेकिन ये करने को तैयार हो गया है। ये कह रहा है इसको तुम मुझसे 10,000 रुपये पर एलॉय के बेसिस पे खरीद लो। इसको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस किसकी हैं? दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस एक ही इंसान की है। प्राइस चाहे आप 10,000 रखो, चाहे 20,000 रखो, चाहे 2 लाख रुपये रखो, दोनों में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक को घाटा होगा दूसरे को प्रॉफिट होगा, नेट ऑफ हो जाएगा। इसको प्रॉफिट होगा, इसको लॉस होगा, अगेन नेट ऑफ हो जाएगा। अगर एक इंसान की बात करें तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप साथ में देखेंगे, वो कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में किसी भी ट्रांजैक्शन से। तो यहाँ पे 10,000 का प्राइस रखा क्यों जा रहा है, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ से प्रॉफिट्स इंडिया से शिफ्ट करने हैं हमें केमैन आइलैंड्स पे, ताकि इंडिया में जो 40% के रेट पर इनकम टैक्स होती है उस रेट पर ना टैक्स हो पाए ज़्यादा आपकी इनकम, और जो केमैन आइलैंड्स में 0% के रेट पर टैक्स होती है इनकम, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आप दिखा पाएँ, ताकि कम से कम टैक्स लग पाए उस पर्टिकुलर इनकम पे। तो प्रॉफिट शिफ्टिंग करनी है, जिसके लिए 10,000 रुपये का प्राइस रखा गया है, जिसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी इट विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर 450 एलॉयज एंड गेट द सेम, यानी कि ये क्या करेगी, ये कहेगी आपने बिल्कुल सही सुना, हमें एलॉयज की ज़रूरत है और आपका प्राइस भी बहुत बढ़िया है, आप ऐसा करिए 450 एलॉयज मुझे भेज दीजिए। अगेन 450 फिगर क्या आई है, क्यों आई है, सबकी सिग्निफिकेंस आपको समझ आएगी इस पर्टिकुलर एनालिसिस के साथ, जो कि हम नेक्स्ट पेज से करेंगे। तो इसने क्या करा, 450 एलॉयज का ऑर्डर प्लेस कर दिया, 450 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 यानी कि 45 लाख रुपीज की कंसिडरेशन ये इसको दे देगा, और ये क्या कर देगा, 450 एलॉयज इसके पास केमैन आइलैंड्स में भिजवा देगा। ये 45 लाख की कंसिडरेशन कैसे देगा, क्योंकि हमने 50 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करवा दी थी इसके थ्रू इसके अंदर, तो 50 लाख रुपये इसके पास थे, इसने 45 लाख की पेमेंट कर दी और इसके पास आ जाएंगे 450 एलॉयज। इतनी चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 4, for the 2000 alloys that alloy wala was able to sell every year, now it will sell only 1550 alloys. ye 1550 figure kahan se aayi, 2000 minus 450, to 450 kya karega ye insaan, dekhiye main aapko dikha bhi deta hu। पहले क्या कर रहा था ये इंसान, शराफत वाली स्टेज में 2000 एलॉयज मार्केट में बेच पा रहा था, किसको, अपने कस्टमर्स को। मैंने क्या बोला, 2000 में से ना भाई साहब दो बाइफरकेशन कर देना, कितनी कितनी की, 450 एंड दूसरी बाइफरकेशन होगी जाहिर सी बात है 1550, दोनों मिला के क्या फिगर बन जाती है, 2000 की फिगर बन जाती है। यानी कि साल के दौरान हम अभी भी उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके 2000 एलॉयज ही बिकने वाले हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, जब आप घपलेबाजी में उतरेंगे तो घपलेबाजी वाली स्कीम में भाई साहब आपकी दो कंपनीज हैं, एक केमैन आइलैंड्स वाली कंपनी और एक इंडिया वाली कंपनी, अब सिंगल कंपनी वाली एंटिटी आप नहीं रहे हैं शराफत वाली स्टेट जैसे। तो आपको क्या करना है, आपके पास एलॉय वाला ये जो कंपनी है इसके पास अगेन 2000 ऑर्डर्स आने वाले हैं, किनसे, कस्टमर से, जेन्युइन कस्टमर से, जो क्या करना चाहेंगे, 30,000 रुपये के प्राइस पे इसे एलॉयज खरीदना चाहेंगे। तो अब जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, कितने ऑर्डर्स, 2000 ऑर्डर्स आते हैं, आप क्या करना, 1550 ऑर्डर्स तो खुद फुलफिल कर लेना। कौन फुलफिल कर देगी, यही एंटिटी कर देगी, यानी कि 1550 ऑर्डर्स तो खुद सेल आउट कर देगी, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देगी, और रिमेनिंग 450 ऑर्डर्स के लिए क्या करेगी, 450 ऑर्डर्स के लिए कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब सेम एलॉयज आपको मिलने वाले हैं, उसी रेट पे मिलेंगे 30,000 के रेट पे, बस हमसे डायरेक्टली ऑर्डर मत प्लेस करिए, इसके पास ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मैं बस बिल इसके नाम पे काटूंगा और वही एलॉयज इसके पास से यानी कि केमैन आइलैंड से आपके पास आ जाएंगे। वो मैन्युफैक्चर किसने करे हैं, उसी कंपनी ने करे हैं जिससे हम भी खरीद के ला रहे थे और आपको दे रहे थे, यानी कि एग्जैक्ट सेम एलॉय होने वाला है जो आपको हमसे मिलता, बस अब बिलिंग किससे होगी, इससे होगी, क्योंकि हमें इसके यहाँ से 450 एलॉयज़ की सेल दिखानी है। कौन से एलॉयज़, जो कि इसने हमसे प्रोक्योर करे थे 10,000 के रेट पे, ताकि इसके पास जो एलॉयज़ आए हैं 450 एलॉयज़ इसके पास पड़े पड़े ख़राब ना हो, वो अगेन इंडिया में वापस आ जाएँ और इसकी सेल दिख जाए 450 एलॉयज़ की, किस प्राइस पे, 30,000 के प्राइस पे। तो ये चीज़ करी हमने कहाँ पे, स्टेप नंबर 4 पे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं स्टेप को, फॉर दी 2000 एलॉयज़ दैट एलॉय वाला यानी कि इंडिया वाली एंटिटी वॉज एबल टू सेल एवरी ईयर,
Now it will sell only 1550 alloys to other persons and request the clients of 450 alloys to place an order for the same with Mast Maula at the same price. यानी कि remaining जो 450 customers आपके पास आए थे उनको क्या बोलेंगे, भाई साहब 450 orders जो आप place करना चाहते हैं हमारे साथ ही place कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं bill इसके नाम पे दूंगा और वो order आपके पास इस इंसान से आएगा, इस particular country से, इस entity के through. ऐसा मैं करना क्यों है, क्योंकि इसके पास जो 450 ऑर्डर्स गए थे वो यहाँ से निकालने भी हैं, वापस इंडिया में ही लेके आने हैं. अब ये जो आपने पूरा स्ट्रक्चर करा, ये जो आपने चार स्टेप्स करे हैं, सबसे पहला स्टेप टैक्स हेवन कंट्री चूज करी विच इज केमैन आइलैंड्स, दूसरी चीज़ वहाँ पे एक शेल कंपनी खोली जिसमें 50 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट करे शेयर कैपिटल की तरह. अब आपके पास दो कंट्रीज़ के अंदर कंपनीज है, किसके पास, साहिल के पास. इंडिया में ये कंपनी जो कि एक्चुअली काम करके पैसे कमा रही है, ये कंपनी जो कि कुछ काम नहीं कर रही, इसके पास फालतू में अपने आप काम आ रहा है, कैसे, ये इंसान अपने कस्टमर्स को यहाँ पर डाइवर्ट कर रहा है और इसके पास कुछ ना कुछ बिजनेस लेके आ रहा है. यानी कि ये इंसान कोई चीज़ तुम्हें 10,000 में बेचता है और उसके बाद जो इंसान तुमसे वही चीज़ 30,000 की खरीदेगा वो क्लाइंट भी तुम्हें बना बनाया ला के दे देता है. ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ही एंटरप्राइजेज एक ही इंसान के हैं. तो ये इसकी मदद क्यों कर रहा है, ताकि इसके प्रॉफिट जो 450 पीसेस पे आ पाते वो अब इसके हाथ में ना आए, इसके हाथ में आए और कुछ ना कुछ लॉस भी इसको हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन से, क्योंकि 20,000 की चीज़ इसने कितने में इसको बेच दी थी, 10,000 की बेच दी थी. अब मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ ये चारों स्टेप्स जब हो जाएंगे, कैसे चारों स्टेप्स, टैक्स हेवन ढूंढना, शेल कंपनी बनाना, शेल कंपनी बनाने के बाद शेल कंपनी से ऑर्डर प्लेस करवाना यहाँ पे किसका, 450 एलॉयज का, उसके बाद कंसिडरेशन मूव करवा देना कि एलॉयज यहाँ पे मूव हो जाएंगे, कंसिडरेशन यहाँ पे मूव हो जाएंगी. एंड स्टेप नंबर 4, फाइनल स्टेप क्या था, आपके पास 2,000 ऑर्डर की रिक्वेस्ट आने वाली है, 2,000 एलॉयज की, 2,000 में से 1,550 तो आप खुद फुलफिल कर लेना, 450 जो ऑर्डर्स थे वो आप किसके पास प्लेस करवा देना, इसके पास, ताकि ये उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर दे और इसके पास जो टीवीज आए थे आपके थ्रू वो उन लोगों को बेच दे. ये चार स्टेप्स करें, उसकी इम्प्लीकेशंस देखिए क्या होंगी, अब आपको समझ आने लगेगा कि टैक्स प्लानिंग हुई कितनी और कितने खतरनाक लेवल पे हुई. दोनों ही चीज़ें देखिए, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एलॉय वाला और उसके साथ साथ मस्त वाला. दो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं. ये शराफत वाली स्टेज में क्या था, एक ही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी एलॉय वाला और इसके सारे के सारे फाइनेंशियल स्टैट्स हमें यहाँ पे पता थे. सब पढ़ने के बाद हमने जान लिया था 1 करोड़ रुपए की टैक्सेबल इनकम आ रही थी, जिसपे 40% के रेट पे 40 लाख रुपए का टैक्स देने के बाद डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ 60 लाख रुपए की बच रही थी. अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमने चार स्टेप्स करे, ये चार स्टेप्स आपको दिखाने के बाद, इसका इफेक्ट दिखाने के बाद क्या चीज़ आपको इंश्योर करवा दूंगा, 1 करोड़ रुपए की ही टैक्सेबल इनकम रहेगी, बस एक कंट्री में ऑफर नहीं हो रही होगी, इंडिया और दूसरी कंट्री में डिवाइड हो रही होगी, जिसकी वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम 60 लाख रुपीज़ नहीं होगी, 96 लाख रुपीज़ होगी, टैक्स आपका 40 लाख रुपीज़ नहीं होगा, सिर्फ 4 लाख रुपीज़ होगा. तो अब देखना शुरू करते हैं इन चारों स्टेप्स की इम्प्लीकेशंस, इनके कॉन्सिक्वेंसेस. सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एंटरप्राइज, यानी कि इस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टैट्स क्या हैं, उसके बाद देखेंगे इसके फाइनेंशियल स्टैट्स क्या हैं, दोनों को मिला के जब हम देखेंगे तो मिला के हमें पता चलेगा सिर्फ 4% के रेट पे हमारी इनकम टैक्स हो रही है और जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया. तो देखिए, पहले हम देखते हैं एलॉय वाला को, जो कि इंडिया वाली एंटिटी है. इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको क्या बोला था, 1550 एलॉयज तो आप किसको देना, आउटसाइडर्स को देना, और 450 एलॉयज किसको देना, मस्त वाला को देना. तो दोनों के रिस्पेक्ट में अलग एनालिसिस चलेगा, क्योंकि दोनों के लिए प्राइसिंग डिफरेंट थी. जो आपने 1550 एलॉयज बेचे, किसको, आउटसाइडर्स को बेचे, किस प्राइस पे बेचेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एलॉय उसी प्राइस पे बेचेंगे, 30,000 के प्राइस पे. कॉस्टिंग क्या बड़ी थी आपके लिए, यानी कि ये चीज़ जब आप खरीद के लाए थे कितने में खरीदी थी आपने, 20,000 रुपीज़ में. कितने पीसेस बेचे हैं इस प्राइस पे आपने, 1550 पीसेस, 1550 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 माइनस 20,000, यानी कि हर पीस पे मुझे 10,000 का फ़ायदा हो रहा है, 10,000 का फ़ायदा हर पीस पे मल्टीप्लाइड बाय 1550, क्या फिगर निकल के आ जाएगी, 1,55,00,000 रुपीज़. बात करते हैं 450 एलॉयज की, जो कि इस एंटरप्राइज ने क्या करा है, इस एंटरप्राइज ने अपनी ही दूसरी एंटरप्राइज को दी है, जो कि दोनों ही एक इंसान के द्वारा ओन है, जिसकी वजह से इनको फर्क नहीं पड़ता किस प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, 10,000 पे करवा लो, 20,000 पे करवा लो, 1,00,000 पे करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम रहने वाली है, एक जेब से पैसा निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है सेम इंसान की. तो अब हुआ क्या, इस केस में प्राइस पे इन्होंने खेल खेला, वैसे 30,000 का प्राइस होना चाहिए था लेकिन अब 10,000 का प्राइस कर दिया, 10,000 के प्राइस पे ये इंसान एग्री हो गया कि मैं आपको चीज़ बेचने को तैयार हूँ जो कि मैं 20,000 पे खरीद रहा था. तो आप 10,000 में वो चीज़ बेच रहे हैं जो कि आपने 20,000 की खरीदी थी, पर पीस बेसिस पे कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट छोड़ो वैसा 10,000 का लॉस हो जाएगा. तो 10,000 का लॉस होगा कितने पीसेस पे, 450 पीसेस पे, जो कि आपने किसको बेचे थे, मस्त मौला को. तो इस केस में दिक्कत क्या होगी, 45,00,000 रुपीज़ का लॉस निकल के आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन से, जो कि आपने किसके साथ करी, अपनी ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ. दोनों प्रॉफिट्स को मिलाइए, ये 1.55 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 1,55,00,000 का प्रॉफिट, और ये लॉस कितने का, 45,00,000 का. दोनों को मिलाएंगे तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 1.1 करोड़ का, यानी कि 1,10,00,000. उसके बाद एक चीज़ माइनस करनी रह गई थी, ये मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, अभी तक मैंने फिक्स कॉस्ट तो माइनस करी ही नहीं, जो कि हमने ऊपर माइनस करी थी यहाँ पे. कितने की फिक्स कॉस्ट थी, 1 करोड़. हमने वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस कर ली है, जो कि कॉस्ट पर एलॉय थी, क्योंकि हमने बोला क्या,
यहाँ पे नेट बेसिस पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वही हमने इससे मल्टीप्लाई करा था, ये फिगर आई थी। नेट बेसिस पे मुझे 10,000 का लॉस हो रहा था, वो हमने इससे मल्टीप्लाई करा, ये फिगर आई थी। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर एलॉय वो तो माइनस हो चुकी है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अभी तक माइनस नहीं हुई थी व्हाइल अराइविंग एट दिस पर्टिकुलर फिगर। तो हम ये भी माइनस कर देते हैं, 1 करोड़ रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट जब ये माइनस करी, मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी निकल के आई, सिर्फ 10 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम निकल के आ रही है। ये कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडिया की बात चल रही है क्योंकि हम एलॉय वाला की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में टैक्सेबल इनकम कितनी निकल के आ रही है, सिर्फ 10 लाख रुपए की। पुराने केस में, शराफत वाले केस में क्या हो रहा था, इंडिया में टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ की निकल के आई थी, 40% का रेट लग रहा था, 40 लाख का टैक्स देना पड़ रहा था और सिर्फ 60 लाख रुपये डिस्पोजेबल इनकम की तरह आपके पास बच रहे थे। और यहाँ पर जब आपने गंदी हरकत करी, ये घपलेबाजी करी, उसके बाद देखिए क्या हुआ, इंडिया में टैक्सेबल इनकम सिर्फ कितनी निकल के आ रही है, 10 लाख रुपए की, जिसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो है कि आपने यहाँ पे लॉस इनकर कर लिया 45 लाख रुपीज़ का, क्योंकि 20,000 रुपए की चीज़ खरीदी, 10,000 रुपए में बेची। दूसरी चीज़, यही 450 पीसेज जो आपने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को लॉस पे बेच दिए, अगर नॉर्मल कस्टमर्स को बेचते तो 10,000 के प्रॉफिट पे बेचते एंड 45 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आना चाहिए था। 45 लाख का प्रॉफिट ना आके 45 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया, तो 45 लाख का वो प्रॉफिट हटाइए, 45 लाख का लॉस उसमें ऐड करिए, दोनों 45 45 मिलके कितने बन जाएंगे, 90 लाख रुपीज। तो ये हरकत करने की वजह से कि आपने 450 यहाँ पे लिख दिया, 450 यहाँ पे नहीं लिखा, उसकी वजह से आपको 90 लाख रुपीज का लॉस हो गया। ये 90 लाख का लॉस नहीं होता तो फिर क्या होता, 10 लाख की टैक्सेबल इनकम आपकी होती, 10 लाख प्लस 90 लाख विच इज 1 करोड़ रुपीज। तो ये सारी चीज़ें करने का पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, इस कंट्री की टैक्सेबल इनकम मुझे कम करनी थी क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा थे और इस कंट्री पे जहाँ पे टैक्स रेट्स जीरो थे वहाँ पे मैं सारे के सारे प्रॉफिट्स ले जाना चाहता था, लेकिन स्टिल मैंने 10 लाख यहीं पे छोड़ दिए, बाकी 90 लाख यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। कैसे, ये ट्रांजैक्शन करके इन दोनों के बीच में, कौन सी ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से इंडिया में 90 लाख प्रॉफिट आपके डिक्रीज हो गए, 10 लाख के ही प्रॉफिट बचे हैं आप 1 करोड़ की जगह। टैक्स रेट अभी भी उतना ही है 40% का, लेकिन 40% जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 लाख की फिगर नहीं आएगी, सिर्फ 4 लाख की फिगर आएगी। डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह जाएगी, 10 लाख माइनस 4 लाख का टैक्स, 6 लाख रुपये आपके पास डिस्पोजेबल रह जाएंगे। अब बात करते हैं मेरी दूसरी इंटरप्राइज की, जो कि कहाँ पर मैंने खोली थी, केमैन आइलैंड्स के अंदर। इंडिया के अंदर तो मेरे पास 6 लाख रुपये की डिस्पोजेबल इनकम रह गई है। बात करते हैं मस्त मौला इंटरप्राइज की, इसके फाइनेंशियल स्टैट्स देखते हैं। इसने प्राइस पर एलॉय कितना फेच करा होगा, वो 450 पीसेस बेच के जो ऑर्डर इसको किसने ला के दिया था, इसी ने ला के दिया था। क्यों, मैंने आपको इस स्टेप में क्या बताया था, इसके पास जब 2000 ऑर्डर्स आएंगे, सिर्फ 1550 ये खुद फुलफिल करेगी, 450 के रिस्पेक्ट में जो बायर था उसको डाइवर्ट कर देगी इस एंटरप्राइज के पास, कि इसके पास जाके खरीद लो, सेम गुड मिल जाएगा, 30,000 के प्राइस पे ही मिल जाएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 पे ही, ये क्या करती है, वो 450 पीसेज जो 10,000 में खरीदे थे उनको 30,000 में बेच देती है इंडिया में उन्हीं लोगों को जो कि ओरिजिनली इससे खरीदना चाह रहे थे, और उनको फर्क नहीं पड़ता बिल इससे आए या फिर इससे आए, उनको तो चीज़ से मतलब है, 30,000 देने से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हुई, मस्त मौला ने प्राइस क्या फेच कर लिया उन्हीं एलॉयज को बेचने के लिए जो इसने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लिए थे, फेयर मार्केट वैल्यू पे ही बेचा है, जस्ट लाइक एलॉय वाला। तो फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचा 30,000 की प्राइस पे, और इसके लिए कॉस्टिंग क्या थी, इसके लिए कॉस्टिंग थी 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये पे इसने प्रोक्योर करे थे एलॉय वाला से यही एलॉयज। तो 30,000 माइनस 10,000, 20,000 रुपये पर एलॉय बेसिस पे इसको फायदा हो गया। कितने एलॉयज बेचे हैं, 450 एलॉयज बेचे हैं, खरीदे भी इतने थे, बेचे भी इतनी, 450 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 पर एलॉय कितनी फिगर निकल के आती, 90 लाख रुपीज़ की फिगर निकल के आती। अब इसमें हमने ये वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस कर ली थी एलॉयज की, लेकिन फिक्स कॉस्ट अभी तक माइनस नहीं करी है। फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस करूं, नील। क्यों, फिक्स कॉस्ट 1 करोड़ रुपए की जो थी वो तो इंडियन एंटरप्राइज की थी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ काम हो रहा था। ये क्या काम कर रही है, ये तो भाई साहब शेल कंपनी है, ना तो इसका कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ना ही इसके कोई खर्चे होंगे, ना ही कोई इंप्लॉयज होंगे। बायर क्या है, इसको जो भी चीज़ खरीदनी थी सीधा मिल रही थी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, और जो भी बेचना था वो क्लाइंट्स भी कौन लाके दे रहा था, एसोसिएटेड एंटरप्राइज लाके दे रहा था। इसके लिए फिक्स कॉस्ट बिल्कुल ही नील है। तो इसके लिए एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, द सेम एज दिस फिगर विच इज 90 लाख रुपीज़। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टैक्स रेट से, जो भी केमैन आइलैंड्स में लगता है, क्योंकि ये इनकम वहाँ की है इसलिए इस पर इंडियन टैक्स रेट कभी नहीं लगने वाले, इंडिया कभी भी इस चीज़ को टैक्स नहीं कर सकता। और वहाँ पे क्या रेट था, 0% का रेट था। मल्टीप्लाई 0% विद 90 लाख्स, व्हाट डू यू गेट, यू गेट अ फिगर ऑफ जीरो, यानी कि आपका टैक्स पेबल कितना निकल के आएगा इस कंट्री में, 0 रुपीज़ निकल के आएगा। एंड फाइनली डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, जितनी भी टैक्सेबल इनकम थी लेस टैक्स पेबल विच इज 90 लाख रुपीज़ इटसेल्फ। तो 90 लाख रुपीज़ मेरे पास इस कंट्री में पड़े होंगे डिस्पोजेबल इनकम की तरह, 6 लाख रुपीज़ कहाँ पे पड़े होंगे, इंडिया में पड़े होंगे इस एंटरप्राइज की डिस्पोजेबल इनकम की तरह। दोनों को ऐडअप करिए, 6 लाख प्लस 90 लाख क्या फिगर निकल के आती है, 96 लाख रुपीज़। यानी कि 96 लाख रुपीज़ मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम, दोनों ही इंटरप्राइजेस की अगर हम इनकम निकालते हैं, डिस्पोजेबल इनकम ऐडअप करते हैं, तो पहली इंटरप्राइज की थी 6 लाख, दूसरी की थी 90 लाख, ऐडअप करके निकल के आती है फिगर 96 लाख रुपीज़।
यानी कि 1 करोड़ रुपए की टैक्सेबल इनकम पे 96 लाख रुपीज डिस्पोजेबल इनकम मैंने बचा ली, और टैक्स कितना दिया, सिर्फ 4 लाख रुपए इंडिया में, दूसरी कंट्री में टैक्स था ही नहीं, तो टोटल मैंने 4 लाख रुपए का टैक्स दिया। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना निकल के आ गया, 4% का। नॉर्मल केस में कितना था, नॉर्मल केस में 40 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, अगेन टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए ही थी। अभी भी टैक्सेबल इनकम आपकी 1 करोड़ रुपए ही है, दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में 90 लाख रुपीज की है, और इंडिया में कितनी आ रही है, 10 लाख रुपए। 90 लाख प्लस 10 लाख, अभी भी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए ही है। लेकिन अब डिफरेंस क्या हो गया, शराफत वाले केस में पूरा 1 करोड़ मैं इंडिया में डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन जब घपलेबाजी पे उतरा मैंने क्या करा, उसी 1 करोड़ की बाइफर्केशन कर ली। 90 लाख रुपीज की जो इनकम थी उसको इंडिया से शिफ्ट करके केमैन आइलैंड्स में पटक दिया। किस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता, इंडिया में टैक्स लगता है और बहुत ज़्यादा रेट लगता है, और ये चीज़ काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अमेजोन, गूगल लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स कमाते हैं, किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं देते ढंग से। किस तरीके से, इसी तरीके से टैक्स हेवंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बस बुक बुक में क्या कर देते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। कमाते एक इसी कंट्री में हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कमाएंगे, और उसके बाद केमैन आइलैंड्स में सारे प्रॉफिट्स ले जाके पटक देंगे, जिसकी वजह से इंडिया को कभी भी अपना फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पाता, फेयर शेयर ऑफ इनकम टैक्स नहीं मिल पाता, और वर्चुअली कोई भी टैक्सेस नहीं मिल पाते। इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज इन एंटरप्राइजेस के पीछे पड़ी रहती हैं। किस तरीके से पीछे पड़ी रहती हैं उसको भी देखिए, इस केस में कैसे इंसान फंसेगा, इनफैक्ट मैं ही फंसूंगा इस केस में कैसे। देखिए, जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी, हमें पता है कि इस केस में घपला होएगा ही होएगा। कैसे घपला होगा, देखिए हमें पता है ये जो दोनों ही एंटरप्राइजेस हैं एक इंसान ओन करता है, जिसकी वजह से हम दोनों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोल सकते हैं। अब हमें पता है इन दोनों के बीच में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ये प्रॉफिट शिफ्टिंग की कोशिश हो सकती है, इंडिया से प्रॉफिट हो सकता है आप बाहर भेजने की कोशिश करें। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन आप दोनों के बीच में होता है, हम क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, और ज़्यादा टेक्निकल हो तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, यानी कि उसी प्राइस पे होना चाहिए जिस प्राइस पे नॉर्मली आप किसी भी इंसान को गुड्स एंड सर्विसेज देते, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज इससे अवेल कर रहे हैं तो वो भी उसी प्राइस पे होनी चाहिए जिस प्राइस पे ये इंसान किसी भी इंसान को, अनरिलेटेड पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज देता। तो इस केस में देखिए होगा क्या, एक्चुअली ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन से 450 पीसेस सारी प्लानिंग थी ही यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मुझे छूट मिलती है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, मैं किसी भी प्राइस पे चीज़ दे सकता हूँ, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही इंसान ओन करता है। मैं क्या करूँगा, इंडिया में लॉस दिखाने की कोशिश करूँगा, इंडियन एंटिटी को बोलूँगा कि कम प्राइस पे दो, फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे दो, 30,000 की जगह 10,000 रुपये देने लग जाऊंगा, जिसकी वजह से इंडियन एंटिटी को लॉस होगा, दूसरी एंटिटी को फायदा होगा, इनकम आपकी क्या हो जाएगी, सीधा शिफ्ट हो जाएगी। इस केस में सरकार कहेगी तुम किसी भी प्राइस पर ट्रांजैक्शन करते रहो, हम इस पर्टिकुलर प्राइस को टोटली डिसरिगार्ड करने वाले हैं। हम कहेंगे ये बताओ मार्केट वैल्यू क्या थी इस पर्टिकुलर प्राइस की एट द टाइम जब भी आपने सप्लाई करे मस्त मोला को, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई साहब मार्केट वैल्यू तो 30,000 रुपये थी। सरकार कहेगी हम मान के चलेंगे आपने 30,000 के प्राइस पे क्या करा था, इस पर्टिकुलर सप्लाई को करा था, और 10,000 को टोटली इग्नोर करेंगे। और इस चीज़ की वजह से होगा क्या, मैं जो है 10,000 दिखा के 90 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहा था इंडिया में, 1 करोड़ की इनकम को 10 लाख तक नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे ही आप इस 10,000 को डिसरिगार्ड करके यहाँ पे भी 30,000 लिख लेते हैं, प्रैक्टिकली एडअप करके देखिएगा, 30,000 यहाँ पे भी, 30,000 यहाँ पे भी, अगेन टैक्सेबल इनकम कितनी निकल के आएगी, 1 करोड़ रुपये, जिस पर आप 40% का रेट अप्लाई करेंगे, 40 लाख यहाँ पे लिखा आ जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ आपकी 60 लाख रुपये लिख के आएगी। तो यही है आपके ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। जब भी कोई भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, सरकार को पता होता है, क्योंकि सिंगल ओनर है दोनों ही एंटरप्राइजेस का, दोनों ही एंटरप्राइजेस किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं, ये दोनों अपने आपस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट को इधर से उधर करने की कोशिश करेंगी, ऐसी कंट्री में पहुंचाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, इंडिया अपने टैक्स के फेयर शेयर से डिप्राइव हो सकती है। तो इसमें हमेशा सरकारें क्या करती हैं, टैप करती हैं, इस चीज़ को ट्रैक करते रहती हैं कि आपके बीच में सारी चीज़ें जो होंगी उसके लिए ट्रांसफर का जो प्राइस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो ट्रांसफर प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए, यानी कि ऐसा प्राइस होना चाहिए जो कि आप किसी भी ऐसे इंसान को देते जो अनरिलेटेड होता। कि रिलेटेड होने की वजह से आपने 30,000 की चीज़ 10,000 में दे दी, क्या आप अनरिलेटेड इंसान को ये 30,000 वाली चीज़ 10,000 में देते, नहीं, उसको आप 30,000 में ही देते, तो हम मान के चलेंगे इसको भी आपने 30,000 में दी है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टैक्सेबल इनकम आप अपनी कम नहीं कर पाएंगे, टोटल जितना भी टैक्स देना था देना ही पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको चीज़ बता दी बेसिक, कि बेसिकली कैसे हम मूव करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग गया होगा कि क्या कोई भी तरीका नहीं बचता कि इस 1 करोड़ को 10 लाख पे पहुंचाया जा सके। बिल्कुल तरीके बचते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई कि ये प्राइस पर एलॉय 10,000 रुपये, इसको सरकार टोटली डिसरिगार्ड कर देगी, यहाँ पे किसको बिठा देगी, 30,000 को, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। और ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई ये भी इतनी आसान तरीके से स्ट्रक्चर नहीं करी जाती, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करी जाती हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा भी इसी चैप्टर में, लेकिन 4 क्लासेस का चैप्टर है, सब कुछ अभी के अभी बता दूंगा, आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। तो 4 क्लासेस में धीरे धीरे इसी ट्रांजैक्शन को हम और कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे, देखेंगे कि कैसे टैक्स पेयर क्या कर सकता है, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है इन सब चीज़ों को यूज़ करके, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते रहेंगे क्या क्या काउंटर मेजर्स सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना रखे हैं इस चीज़ को होने से रोकने के लिए।
विद दिस आई गेस द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज बीन रीच्ड। मैं जो आपके अंदर एक्साइटमेंट जगाना चाह रहा था इस चीज़ को जानने की कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या 1 करोड़ को हम 10 लाख पे पहुंचा पाएंगे, क्या 40% के इफेक्टिव रेट को 4% पे पहुंचा पाएंगे, क्या ये हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी, जानने की एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं पैदा हो गई होगी कि मुझे जानना है खुद के लिए कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं आज के टाइम पर, कैसे नहीं चलती हैं। आप पेपर के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, अपने लिए भी पढ़ना चाह रहे होंगे, बस यही मुझे चाहिए। और इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, उसके साथ स्टार्ट करते हैं इस खतरनाक चैप्टर को जिसका नाम है ट्रांसफर पैसे। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहली चीज देखिए, बेसिक्स।